हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज। विधानसभा चुनाव का प्रचार लगातार जोर पकड़ रहा है। नेता अपनी बातों से जनता को लुभाने की पुरजोर कोशिश में लगे हैं। रविवार को लोहारू से जेजेपी के उम्मीदवार अलका आर्य ने अपने जनसंपर्क अभियान के तहत कई गांव का दौरा किया। इस बीच हर गांव में अलका आर्य को लोगों का जबरदस्त समर्थन देखने को मिला। अलका आर्य ने भी लोगों से आगामी चुनावों में चाबी के सामने वाला बटन दबाकर भारी मतों से जिताने की अपील की। इस मौके पर पत्रकारों से बात करते हुए अलका आर्य ने सीएम मनोहर लाल पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि 2 साल पहले सीएम मनोहर लाल ने सिवानी खंड को हिसार में शामिल करने की घोषणा की थी, लेकिन आज तक सिवानी के लोगों की ये मांग पूरी नहीं हुई। उन्होंने वायदा किया है कि आगामी चुनावों में अगर जेजेपी की सरकार बनी तो सिवानी ब्लॉक को हिसार में शामिल किया जाएगा। उन्होंने दावा किया कि इन चुनाव में जेजेपी का मुकाबला किसी से नहीं है। इलाके की जनता ने उन्हें अपना नेता स्वीकार कर लिया है। ये तो इलाके की जनता बताएगी कि किसका किससे मुकाबला है। तो लोहारू से जेजेपी के उम्मीदवार अलका आर्य ने अपने जनसंपर्क अभियान के तहत कई गांवों का दौरा किया है और इस बीच हर गांव में अलका आर्य को लोगों का जबरदस्त समर्थन देखने को मिला। अलका आर्य ने भी लोगों से आगामी चुनाव में चाबी के सामने वाला बटन दबाकर भारी मतों से जिताने की अपील की है। इस मौके पर पत्रकारों से बात करते हुए अलका आर्य ने सीएम मनोहर लाल पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि 2 साल पहले सीएम मनोहर लाल ने सिवानी खंड को हिसार में शामिल करने की घोषणा की थी, लेकिन आज तक सिवानी के लोगों की ये मांग पूरी नहीं हुई। उन्होंने वायदा किया है कि आगामी चुनाव में अगर जेजेपी की सरकार बनी तो सिवानी ब्लॉक को हिसार में शामिल किया जाएगा। उन्होंने दावा किया कि इन चुनाव में जेजेपी का मुकाबला किसी से नहीं। हाँ, 2 साल पहले जो खट्टर साहब घोषणा करके गए थे कि सिवानी ब्लॉक को हिसार में मिलाया जाए, लेकिन वो फाइल जब्त कर दी गई है। हमारे भावी सीएम दुष्यंत चौटाला जी ने ऐलान किया है जब उनकी अपनी जननायक जनता पार्टी होगी तो पूरे मान सम्मान के साथ इस ब्लॉक का पहला काम क्या होगा कि सिवानी को हिसार से मिलाया जाएगा।